हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल का जो प्रश्न था आपके लिए कि जब मैं इस बाथरूम के दरवाजे को पुश करता हूं तो जो मेन डोर के दरवाजे पर जो इफेक्ट होता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ही हम बाथरूम के दरवाजे को खोलते हैं तो मेन डोर का जो मेन डोर है वो भी तेजी से खुल जाता है। तो प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसको लेकर अगर हम सीधे उत्तर पर बात करें तो एक संभावित उत्तर ये है कि जिसमें इस कमरे में जो भी पूरी एयर है उस एयर जब हम इसको पुश करते हैं तो ये एक तरीके से एक कंप्लीट चैम्बर है। ये कमरा एक कंप्लीट चैम्बर है जिसकी एयर इजिली इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करी हुई है। लेकिन जैसे ही हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो इस कमरे का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर, यानी जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, उसमें गिरावट आती है। गिरावट आने का मतलब है कि इस कमरे की वायु दाब में जो भी गिरावट आई है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए बाकी की दीवारें, जो साइड की वॉल्स हैं, वो रिजिड है, यानी वो दृढ़ है। उन पर भी कोई ना कोई बल लगा होगा, बट दैट इज नॉट कंसिडरेबल। ये कहीं ना कहीं दूसरे सपोर्टेड वॉल से मैनेज हो गए होंगे। लेकिन ये दरवाजा जो कि लॉक नहीं है, ये फ्री है, तो जैसे ही अंदर के वायु दाब में गिरावट आती है तो किसकी तुलना में, बाहर के तुलना में, तो बाहर से जो एयर है वो इस दरवाजे को उसी के साथ पुश करता है और उसके परिणाम स्वरूप ये दरवाजा खुल जाता है। इसे अगर हम बहुत ध्यान से देखें, और इसे मैं बहुत थोड़ा सा चेंज करके देखता हूं, यानी जिसको मैंने तेजी से खोला था अभी मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूं क्या इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, देखते हैं। एग्जैक्टली, जब मैंने इसको बहुत थोड़ा सा खोला, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया, तो उसमें जो प्रेशर में जो यहां पे अंदर फॉल डाउन हुआ है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ये दरवाजा थोड़ा सा खुल गया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और तेजी से खोल दूं तो वहां पे भी आपको टर्बुलेंस यानी वहां पे हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसे तेजी से करता हूं तो एक हलचल दिखती है, राइट। अभी इसी को मैं फिर से रिपीट करता हूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर ये दरवाजा एक उसकी लिमिट से ज्यादा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये वॉल्यूम हम यहां पे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो एयर अब यहां से इसका एक रास्ता बन जाता है जिससे एयर अब अंदर बाहर हो सकती है। एक बार फिर से करके देखते हैं, राइट। अभी आप देख रहे होंगे कि ये दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है, हमने वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करी लेकिन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन चैम्बर बन गया है। सो ये एक मजेदार एक्सपेरिमेंट था, या एक आम जिंदगी से जुड़ी हुई घटना थी, जैसे हम लोग अक्सर इग्नोरेंस में डाल देते हैं कि नहीं ये तो कोई बात नहीं है, तो होता ही है। लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान है। अगर देखा जाए तो हर एक मूवमेंट में, चाहे आप घर की कोई भी चीज करते हो, हर जगह विज्ञान है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, अगर ये आपको ये जो फंडामेंटल साइंस है आपको पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों से साझा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ, बहुत जल्दी हम एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सभा का थैंक यू।